हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि जेडब्ल्यूई 2023 में आया हुआ है। ओके, और ये क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू 1/2 एंड 1√3 माइनस √3 एंड 1, देन इस चार में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव ए जो कि है कितना, देखो तो दिस इज 1/2, दिस इज √3/2, दिस इज माइनस √3/2 एंड द लास्ट एलिमेंट इज ऑल्सो 1/2। इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। ओके, अब इसको क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक जनरल पैटर्न निकालें, लाइक ए का पावर एन का वैल्यू क्या होगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस को वेरीफाई करके देख लेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे एजम्पशन लेना पड़ेगा, लाइक दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा एंड द लास्ट टर्म इज कॉस थीटा। लेकिन ध्यान रखना, इन ऑल द केसेस थीटा इज द 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 3। सारे केसेस में कॉस जैसे थीटा क्या है, पाई बाय 3, दैट इज 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, माइनस साइन 60 डिग्री का माइनस √3/2 एंड सिमिलरली कॉस 60 डिग्री का 1/2। ओके, चलो अभी करते हैं हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये आपको पता है बेसिक फॉर्मूला, जैसे बेसिक फॉर्मेट जो होता है ना स्क्वायर निकालने का, दिस इज माइनस साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा एंड अगेन कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा फास्ट, कॉस इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन इंटू माइनस साइन दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज दैट इज अगेन साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब अगेन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ओके, एंड द लास्ट साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो चलो देखते हैं जल्दी से ये कितना है एक्चुअल में। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, तो दिस इज कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, अगेन यहाँ पे एक माइनस के साथ साइन 2 थीटा हो जाएगा और द लास्ट इज कॉस 2 थीटा। मतलब अगर हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाला तो देखो कुछ ऐसा मिला, ए स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। ए का वैल्यू हम लोगों का देखो सिमिलर तरीके से रिवाइव हुआ, जैसे कि ए का पावर 1 था तो फर्स्ट टर्म इज कॉस थीटा, ए का पावर 2 है तो कॉस का वैल्यू जो है ना एंगल में कॉस 2 थीटा आ गया, मतलब एंगल उतना टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग ए क्यूब निकाले होते हैं तो ए क्यूब क्या होता, कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। ओके, दैट इज हम लोगों को एक रिलेशन मिल गया ए का पावर एन, जो कि क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा एंड साइन ऑफ एन थीटा, सिमिलरली माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। ये मिला हम लोगों को जनरल ए का पावर एन का एक वैल्यू मिल गया। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इस सारे ऑप्शंस में देखो ए का पावर 30 और ए का पावर 25 है, तो सबसे पहला काम ए का पावर 30 और ए का पावर 25 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप ए का पावर 30 निकालते हो तो ये क्या होता है, देखो तो दिस इज कॉस ऑफ 30 थीटा, दिस इज साइन ऑफ 30 थीटा, माइनस साइन 30 थीटा एंड द लास्ट टर्म इज कॉस 30 थीटा। और आपको पता है थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, थीटा का वैल्यू इन ऑल केसेस पाई बाय 3 दैट इज 60 डिग्री था। अगर आप यहां पे लगाते हो तो ये क्या होता, देखो तो कॉस 30 इंटू पाई बाय 3, सिमिलरली साइन, ये देखो ये कट के कितना होता 10 पाई, तो हम डायरेक्टली यहां पे 10 पाई लिख देते हैं, माइनस साइन 10 पाई एंड दिस इज कॉस ऑफ 10 पाई। अब अगर आप इस सारे केसेस का वैल्यूज निकालने वाले हो तो कॉस 10 पाई का वैल्यू हो जाएगा 1,
आप निकाल लेना बेसिक मेथड से, ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मेट है, तो ये आपको मिलने वाला है कुछ इस तरह का, 1 0, दिस इज माइनस 0 बट ये तो 0 ही होगा, और ये 1, दैट इज वी गॉट द वैल्यू ऑफ 8 to the power 30 विच इज आई। ओके, तो हम यहाँ पे लिख के रख देते हैं 8 का पावर 30 इक्वल्स टू आई, जो कि आगे आने वाला केस, मतलब अभी जब सॉल्व करेंगे ना तब ये हेल्प करेगा आपको सॉल्व करने में। अभी क्या करते हैं, अभी 8 का पावर 25 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सारे केसेस में 8 का पावर 25 है। ओके, चलो यहाँ पे निकालते हैं फास्ट। अब 8 का पावर 25, 8 का पावर 25 का मीनिंग क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 का पावर 25 मीन्स कॉस ऑफ 25 थीटा साइन ऑफ 25 थीटा माइनस साइन ऑफ 25 थीटा एंड कॉस ऑफ 25 थीटा। ओके, और थीटा की जगह पे क्या रखना था हम लोगों को, 60 डिग्री रखना था। चलो सॉल्व करते हैं, 60 × 25 होता है 150, तो 1500, मतलब कॉस ऑफ 1500 डिग्री। सिमिलरली साइन ऑफ 1500 डिग्री एंड दिस इज माइनस साइन 1500 डिग्री एंड कॉस ऑफ 1500 डिग्री। और आप क्या कर सकते हो, इस 1500 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प से आराम से वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके, मैंने एक्चुअली इसका पहले से निकाल के रखा है, और वो क्या है, चलो उसका वैल्यू हम लिख देते हैं। दिस इज 1/2 एंड दिस इज √3/2, दिस इज −√3/2 एंड दिस इज 1/2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक्चुअल में एक इक्वल आता है। देखो क्वेश्चन में जो गिवन था ना, दिस इज द ए, तो ए का पावर 25 का जो वैल्यू है ना, वो आता है एक्चुअल में ए के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए का पावर 25 इक्वल्स टू ए। अब हम लोगों को क्या करना है, बस इस दोनों डेटा को इस चारों ऑप्शंस में वेरीफाई करके देखना है, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही हम लोगों का आंसर है। एग्जाम्पल में पहला इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज आई माइनस ए, देखो ए टू द पावर 30 इज आई एंड ए टू द पावर 25 इज ए, दैट इज ए का पावर 30 माइनस ए का पावर 25 विच इज आई माइनस ए। बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन ये 2i आना चाहिए था, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, ए का पावर 30 प्लस ए का पावर 25 माइनस ए, ए का पावर 30 का वैल्यू है i, ए का पावर 25 का वैल्यू है a एंड माइनस ए, तो आपका आंसर आया i, जो कि राइट साइड में भी आई है, दैट इज हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।